प्लीज टेक योर सीट, टेक योर प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। ही वॉज डॉक्टर डॉक्टर केशव राव वॉन्ट्स टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, टेक योर सीट। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर मुद्दे को लेकर। दूसरे दिन भी संसद में जोरदार हंगामा, सोमवार तक संसद को किया गया स्थगित। आपको बता दीजिए, लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है, मोदी सरकार और केंद्र जवाब देने में हुई विफल, तो संसद को कर रही है स्थगित, सवाल उठ रहे हैं, बताएंगे इसके बारे में। वही दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी मामले को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुणेश मोदी को लगाई करारी फटकार, 10 दिन के अंदर मांगा जवाब, बताएंगे इसके बारे में। 4 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई। ऐसा कोई बड़ी खबर निकल के आ रही, मणिपुर के 10 विधायकों को घर फूंक दिया गया। और वहीं एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है कि 5 और महिलाओं के साथ इसी तरह की दरिंदगी की गई है, सीबीआई की जांच की मांग उठ रही है। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही, जिस तरह से आपने देखा था कि महिला को निवस कर घुमाया गया था, अब उसका पति कारगिल में था, यानी कि वह सैनिक था और इसकी पत्नी के साथ ऐसा किया जा रहा। अब खासकर सरकार पर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जंतर मंतर पर जमकर हुआ हंगामा, भीम आर्मी चीफ ने किया जमकर प्रदर्शन, जा रहे हैं इसके बारे में। वहीं किस तरह से अखिलेश लगातार पीछे हटते जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से, फिर से लगा एक और करारा झटका जाने, इसके बारे में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिर से जलाया गया कुरान, जमकर हुआ है हंगामा। वहीं चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर, क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रियंका गांधी ने किस तरह से पूरा खेल बदल दिया है, सिंधिया के गढ़ में कर दी सेधमारी, जाने इसके बारे में। वहीं किस तरह से विदेशों में पीएम मोदी के ऊपर सवाल उठ रहा है, क्या कुछ बयान मायावती का निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर जमकर किया विरोध प्रदर्शन, सारी खबरें जानने वाले हैं के विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब वेल आइकन जरूर दबाएगा, देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट पाने का। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको याद होगा कि संसद का सत्र 20 जुलाई से चल रहा है, लेकिन आपको बताते चले केंद्र सरकार पूरी तरह से संसद सत्र को चलाने में विफल है। मणिपुर के मुद्दे पर दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ, लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। और देखा जाए अब मानसून सत्र में केवल और केवल 21 दिन बचे हैं सत्र चलने को, और सोमवार को केवल 18 दिन बचने वाले। और देखा जाए कभी भी सरकार संसद सत्र नहीं चला पा रही है और विपक्षी पार्टियों के सवाल के जवाब नहीं दे पा रही है। मानसून सत्र के दूसरे दिन मणिपुर की स्थिति पर बवाल जारी रहा, इस हंगामे के चलते देखा जाए 2 बार संसद को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया, बाद में लोकसभा स्पीकर ने पूरी तरह से संसद की कार्यवाही को सोमवार तक स्थगित कर दिया। बताते चले कि विपक्षी दलों में 15 सांसदों ने मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार इस पर समिति व्यक्त करने की चर्चा को पूरी तरह से खारिज करती रही। और दूसरे दिन भी यही कुछ तरह के बयान सामने निकल के आए, 12 बजे तक जमकर हंगामा चला था, उसके बाद जमकर नारेबाजी होने लगी संसद में और उसके बाद स्थगित कर दिया गया। वहीं देखा जाए कांग्रेस ने इसको लेकर करारा हमला बोला, मणिपुर की हिंसा पर इंडिया दलों ने संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग की, तो दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। संसद के मानसून सत्र चल रहे हैं ये सभी को पता है, देखा जाए अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने करारा हमला बोला। उन्होंने बताया किस तरह से अगर प्रधानमंत्री से जवाब पूछा जा रहा है तो संसद को स्थगित कर दिया जाता है, नहीं तो सांसद को निलंबित कर दिया जाता है। इसी तरह की कार्रवाई अब केंद्र में चल रही है, यानी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कोई जवाब सवाल नहीं कर सकता है। अब ऐसे में जयराम रमेश का कहना है कि इससे अच्छा है कि संसद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, और जो ये इन्होंने एक बिजडा प्रोजेक्ट के तहत अपना नया संसद भवन बनाया, केवल और केवल इसको शोभायमान के लिए बनाया है, इसे बंद कर देना चाहिए। अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा, क्योंकि जिस तरह से संसद पर भी जमकर बवाल मचा था, प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया था और यहां पर खुद ही अपनी मर्जी चला रहे हैं वो, आपसे किस तरह देखा मेरा कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी मामले को लेकर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा था सुनवाई, तो ऐसे में पुनेश मोदी को लगाई करारी फटकार, 10 दिनों को दिया समय और मांगा जवाब। मोदी सर ने मामले में देखा जाए आज राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की है। मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने और इंकार करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने देखा जाए पुनेश मोदी को नोटिस थमा दिया, यानी करारी फटकार है, 10 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। मामले पर अगली सुनवाई देखा जाए 10 अगस्त को होने वाली है। सुप्रीम
कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य दो नोटिस को जारी करते हुए मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर अब देखा जाए तो 10 अगस्त को सुनवाई होने वाली। और देखा जाए जिस तरह से पुनेश मोदी से जवाब मांगा गया है, यानी कि देखा जाए अब तक किसी भी तरह से हाईकोर्ट ने जवाब तक नहीं मांगा था आखिर आप किन तथ्यों के साथ राहुल गांधी को फंसा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी सारे फैक्ट रख रहे हैं। उन्होंने कहा हम खास तौर पर इन मोदी को नहीं कहा था, ये सारे जवाब रखे थे राहुल गांधी। अब इसको लेकर सख्त रुख अपना रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब देखने वाली बात होगी कि 10 अगस्त को कोई अहम सुनवाई आती है या नहीं। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आई, देखा जाए मणिपुर में लगातार विधायकों के घर फूके जा रहे थे, अब वही विधायक वहां के सच को बयां कर रहे हैं। देखा जाए 5 और महिलाओं के साथ कुछ इसी तरह की दरिंदगी की गई है। देखा जाए बीजेपी जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से मणिपुर में 73 दिनों से बैन रखी है, कहीं ना कहीं उसके पीछे ये एक बड़ी साजिश हो सकती है कि वहां की घटना किसी को पता ना चले। अब मणिपुर पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, मणिपुर ही पर ही नहीं देखा जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी खास तौर पर अब निशाना साधा जा रहा है। मणिपुर में बीते 2 महीनों से जिस तरह से हिंसा भड़की है, याद होगा कि 4 मई का दिन था जब हिंसा भड़की, और इस बीच देखा जाए 2 महिलाओं को पूरी तरह से न्यूड परेड कराने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद जमकर तनाव केवल मणिपुर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में फैला, यहाँ तक कि देखा जाए विदेशों से प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन अब सबसे हैरान करने वाली बात ये निकल के आ रही है कि मणिपुर के ही विधायक और MLA ये बता रहे हैं कि खुलासा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी एक महिलाएं नहीं है, ऐसी 5 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई है। इसमें से 3 अलग अलग महिलाएं रही जिनका रेप कर दिया गया, यह भी दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह घटना लगभग 1.5 महीनों से चल रही है, ऐसे में सरकार इसको लेकर पूरी तरह से विफल रही है। इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा, जिस तरह से दरिंदगी चल रही है और इस पर PM मोदी चुप थे, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा वही चलते हैं, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत तैयार हो चुकी है। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 तैयार कर चुके हैं और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो अब पिछले कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा खत्म कर पूरी तरह से कांग्रेस ने पूरे देश भर में अब तक डंका बजाया। अब हिमाचल और कर्नाटक में देखे जाए सरकार पूरे बहुमत के साथ बनी, अब इन सब को लेकर दूसरे चरण में भी प्लानिंग की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सितंबर महीने में दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का। इस यात्रा में रूट पर पार्टी काम करने वाली है, साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 24 में इसका काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है। और इस यात्रा का मकसद देश के लोगों को जुटाना है, उनकी चिंताओं को समझना, क्योंकि राहुल गांधी अब जब से भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके आए आपने ध्यान दिया होगा कि वो लोगों के बीच रहे हैं, आराम थोड़ा सा भी नहीं किया है, यहाँ तक कि धान लगाने तक पहुँचे और यहाँ तक कि ट्रक से भी सवारी की, ये तमाम चीज़ें निकल के आई आपने देखा, यानी लोगों के बीच राहुल गांधी पहुँच कर उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इसका खासा राहुल गांधी को उपलब्धि मिलेगी। वहीं चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको पता चले कि जंतर मंतर पर भी जोरदार हंगामा हो रहा है। इस बार पहलवानों का हंगामा नहीं बल्कि भीम चीफ आर्मी का ये हंगामा है। सहारनपुर में भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हुई गोलीकांड को लेकर देखा जाए आज समर्थकों ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसको लेकर भीम चीफ आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमावड़ा लगा दिया जंतर मंतर पर, और देखा जाए इस विरोध में रालालौद राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी धर्मस्थल तक पहुंचे थे। गौरतलब है कि 28 जून को भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर हाईवे पर हमला कर दिया जाता है, और इस हमले में देखा जाए तो उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से अब सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है इन सब कामों पर, इन सब को लेकर अब जनता जवाब पूछ रही है। और देखा जाए तो भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर एक बड़े नाम थे, उनके ऊपर हमला कर दिया जा रहा, तो ऐसे में जनता भी अब सुरक्षित नहीं है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ग्वालियर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, ग्वालियर यानी कि सिंधिया का गढ़, और सिंधिया के गढ़ में हो गई छापेमारी, प्रियंका ने खेल दिया अपना दांव। बड़ी खबर निकल के आ रही, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार ये फाइनल हो चुका है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में चुनावी अभियान का आगाज किया। प्रियंका ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा निशाना बोला। चंबल की भाषा में उन्होंने भाजपा जावेगी और कांग्रेस जल्दे आवेगी, ये सारी तमाम बातें संबोधन के दौरान क्या कुछ कही है प्रियंका गांधी, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। आपको बताते चले उन्होंने आदिवासियों को लेकर करारा हमला बोला है शिवराज सरकार पर, कहा अत्याचार केवल कमजोर लोगों पर किया जा रहा है, आदिवासी दलित महिला अत्याचार के घेराव में आ रहे हैं, बीजेपी नेता के बेटे इनके ऊपर बलात्कार कर रहे हैं और ज्यादातर इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें माफी मांगकर छोड़ दिया जाता है, यह है बीजेपी सरकार के न्याय। वे दूसरी तरफ देखा जाए देश की पूरी संपत्ति बिजनेस मैनों को बेच दी जा रही है, सरकारी कंपनियों को अपने मित्रों को सौंप दिया जा रहा है, यानी कि देखा जाए जनता का पैसा अपने दोस्त के झोले में डाल दिया जा रहा है। वही महंगाई को उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बताया, क्योंकि देखा जाए इस समय आम जनता के लिए महंगाई भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है,
टमाटर 150 रुपये किलो हो चुके हैं, बारिश में घर की छत की मरम्मत नहीं हो पा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग पैसा बचा नहीं पा रहे हैं। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? प्रियंका गांधी जिस तरह से चंबल में इससे पहले रैली की थी और देखा जाए वहाँ के लोगों को राम राम कहते हुए चंबल की भाषा में लोगों को संबोधित किया था, और साथ ही देखा जाए आज जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से मोदी के भौकाल को ख़त्म कर दिया और शिवराज सरकार पर हमला किया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और खासकर जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है जिसकी होड़ में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं इसीलिए प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, इन सब में अहम फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे देखा जाए महंगाई और भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अत्याचार भी कहीं कम नहीं है। इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश को झटके पे झटके लग रहे हैं। मिशन 24 के लिए बीजेपी की नज़र अब देखा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की विपक्षी दल पर अड़ चुकी है और देखा जाए पूर्वांचल से सपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। सूत्रों की माने तो पश्चिमी यूपी से आने वाले अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी अगले हफ्ते बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसके साथ ही देखा जाए आरएलडी के आने वाले नेता बहुजन समाज पार्टी में जाने वाले हैं राजपाल सैनी साहब, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का दामन थामने के बाद एक करारा झटका होगा क्योंकि इससे पहले कई बड़े बड़े कद्दावर नेता भी सपा का दामन छोड़ चुके हैं। एक तरफ देखा जाए विपक्षी पार्टियों में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन अपने ही गढ़ उत्तर प्रदेश में लगातार उन्हें झटके पे झटके लग रहे हैं। इन सब को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बताते चले लगातार देश में कुरान जलाया जा रहा है, यानी कि स्वीडन में एक बार फिर से कुरान जलाया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि स्वीडन में कुरान जलाया गया था जिसको लेकर OIC ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और करारी फटकार भी लगाई थी स्वीडन को। यहाँ तक कि देखा जाए 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एकजुट होकर करारा झटका दिया था स्वीडन को और इस कार्य को घृणाकृत बताया था। लेकिन इन सब होने के बाद ये भी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि स्वीडन पुलिस ने एक बार फिर शरणार्थियों द्वारा कुरान जलाने की अनुमति दे दी गई है। और ये जो कुरान जलाया गया था इससे पहले वो बकरा ईद के दिन जलाया गया था जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्मा गया था। स्वीडन पुलिस ने सलमान मौसिक को गुरुवार को कुरान जलाने की अनुमति फिर से दे दी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आई कि कुरान जला दी गई है। खबर यही निकल के आ रही कि कुरान जलाने की अनुमति दी गई है। अब ये देखने वाली बात होती है कुरान जलाई जा रही है। वैसे अगर राय पूछी जाए तो धार्मिक पुस्तकों को जलाना पूरी तरह से नाजायज है। वैसे आप सबकी क्या राय अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2.5 महीने पर बोले हैं पीएम मोदी चुप्पी तो तोड़े, 30 सेकंड का बयान देकर फिर से सरकार की निठुरता की पहचान सामने रख दी है। कांग्रेस ने फिर से एक बार करारा हमला बोला, हिंसा की आग में मणिपुर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका और देखा जाए मानवता की हदें पार हो गई हैं। और संसद के मानसून सत्र की शुरुआत भले ही 20 तारीख से हुई हो लेकिन अभी तक एक भी दिन संसद नहीं चला है। इन सबके बीच पीएम मोदी के ऊपर करारा हमला बोला जा रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा 1800 घंटे से अधिक समय के बाद अब चुप्पी तोड़े हैं महाराज जी, 30 सेकंड का बयान देकर खुद को देश की जनता से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए किस तरह से बयान दिया, मध्य प्रदेश गुजरात जैसे राज्यों में जो अत्याचार हो रहे उन्हें नज़रअंदाज करते हुए खासतौर पर उन्होंने राजस्थान का नाम लिया और कर्नाटका का नाम लिया। उन्होंने कहा ऐसे राज्यों में ऐसी हिंसा ना होनी चाहिए, इसके लिए कड़ी प्रतिक्रिया की जाएगी। और पूरी तरह से उन्होंने मणिपुर के मुद्दे से हट गए। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।